अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मज़ार के ऊपर जा रहे हैं, वो मज़ार कभी ना आपने सुनी होगी ना कभी आपने देखी होगी। तो वो मज़ार है हमारे गांव में, वो हमारे घर के बिल्कुल ही नज़दीक है। तो वहां चलकर आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को पूरा वॉच करें। तो अभी चलते हैं। तो ये है हमारी मस्जिद, तो मोहब्बत अली आप रोज मजार के ऊपर आते हैं? नहीं नहीं, मैं रोजाना नहीं आता, मैं जुमे वाले दिन मैं इधर जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ सुबह की नमाज, फजर की नमाज अदा करने आता हूँ तो फिर मज़ार के ऊपर भी हाज़िरी देते हैं। तो ये साथ में हमारा कब्रिस्तान है। अच्छा मोहब्बत अली, वो खजूर कैसे बच गई? हाँ वो खजूर, चलें नीचे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो खजूर पता कैसे बची है ये। हाँ, क्योंकि वो जो खजूर है ना, हाँ, वो है फीमेल और ये है शीमेल। सही है, इसकी खजूर सही नहीं है तो इसलिए ये खजूर बची है। बाकी जो खजूरें हैं, नर है ये नर, हाँ, वो सारी जो खजूरें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और ये इसकी खजूरें सही नहीं है, जिसकी वजह से ये खजूरें किसी ने नहीं तोड़ी, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ पर उतार लेते हैं जूते। ये है जी वो मज़ार, ये इलम लगा हुआ है। ये है जी नमक, यहाँ पर लोग आते हैं और ये नमक को चखते हैं, इनसे शफा होती है। ये है जी मज़ार के अंदरूनी मनाजर, ये बहुत ही मुख्तसर सा गुंबद बना हुआ है। ये है जी, और यहाँ पर लोग चिराग वगैरह जलाते हैं। तो ये हार वगैरह हैं जो दूल्हा को पहनाए जाते हैं, उसके बाद जब वो शादी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ आकर लोग रखते हैं। तो जब हमारे गांव में शादी होती है तो यहाँ आकर लोग सलाम करते हैं, पहले मन्नते मांगते हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी शादी से पहले यहाँ आकर सलाम किया था, तो उसके बाद फिर कहते बारात रवानगी हुई थी। तो ये हमारा दस्तूर है, हम लोग यहाँ आकर लाजमी पहले ज़ियारत करते हैं, उसके बाद हमारी बारात रवाना होती है। ये जो मज़ार है ये उच शरीफ से 5 किलोमीटर आगे बस्ती है चक डामंज। तो बस्ती चक डामंज में ये वाक़ है। तो इस मज़ार का नाम है नांगे पीर सरकार। तो ये है वो मज़ार। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप हर जुमे रात वाली रात को यहाँ पर आता है, यहाँ आकर सलाम करता है, ज़ियारत करता है। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने देखा, जब वो खेतों को पानी लगाने के लिए आते हैं तो यहाँ ज़ियारत करता है और फिर वापस चला जाता है। तो उस सांप के जो माथे से ना वो रोशनी निकलती है, हमारे बड़ों ने देखा है। ये इतना मोटे दरख्त हो चुके हैं, ये हमने किसी भी मज़ार के ऊपर इतना मोटे दरख्त नहीं देखे, ये खुद ब खुद उगे हैं।
ये किसी ने नहीं उगाए, क्योंकि ये बहुत ही कदीमी दरख्त है। जब से ये मज़ार बनी है उसी वक़्त के ये दरख्त हैं। ये जो कब्रगुस्तान है ये हमारे बाप दादा परदादा यहाँ पर दफन है, तो ये कब्रगुस्तान भी बहुत कदीमी है। तो साथ साथ ये है हमारी बस्ती। हर साल पूरी बस्ती मिलकर यहाँ पर उर्स मनाती है, तो इस सरकार का उर्स मनाया जाता है। और ये जो है ये नांगे पीर सरकार के नाम से मशहूर है, यही इनका नाम है, क्योंकि इनके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि सांप जो है ना सलाम करने आता है, जिसकी वजह से इसका नाम नांगे पीर सरकार रखा गया। तो अब हम चलते हैं जहां नांगे पीर सरकार जिस दरख्त के नीचे बैठा करते थे, तो उस दरख्त को आप सरकार ने दुआ दी थी कि आपको कोई भी नहीं काट सकता। तो यहां के लोगों ने काटने की कोशिश की है, मगर कोई माई का लाल उसे काट नहीं सकता। वो दरख्त अभी भी मौजूद है, तो अभी चलते हैं वहां। ये चावल पक चुके हैं, ये देखें ना, ये चावल पक चुके हैं। ये असल में कायनात नहीं है, कायनात है इस तरफ, ये अभी पक्के नहीं है, ये पकने वाले हैं। 11 का टाइम है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तो यह जी ट्यूबल ट्यूबल के ऊपर पीते हैं पानी। ये है जी वो दरख्त, ये खेतों के अंदर है जी वो दरख्त। वो दरख्त जिसको लोगों ने काटने की कोशिश की है, लेकिन ये काटा नहीं जाता। कुल्हाड़ी के साथ काटें, जिस चीज के साथ काटें ना, ये नहीं काटा जाता। ये नांगे पीर सरकार की इस दरख्त को दुआ है, और लोग जो है यहाँ पर आकर वो अपनी मन्नत मरादे मांगते हैं। ये देखें ये धागा बांधा हुआ है, तो लोग अपनी मन्नत मुरादे यहाँ आकर मांगते हैं और उनकी मन्नत मुरादे पूरी होती हैं। तो लोगों ने इसे हजारों बार काटने की कोशिश की है, लेकिन ये दरख्त काटा नहीं जाता। तो ये दरख्त बहुत ही कदीमी है, ये देखो ना, ये काटने की कोशिश की है लोगों ने। ये देखें ये बिल्कुल ही ना कवर हो चुका है, ये एक झोंपड़ी टाइप बना हुआ है, और इसका ना बहुत ही जबरदस्त ये सायेदार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम चलते हैं वापस। आ जाओ भैया, चल चलिए शहर मदीने नू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।